हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 9th ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। दिस इज़ एन अवर इंट्रोडक्शन वीडियो, और जिसके अंदर हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट आर एक्सप्रेशंस, कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। क्लियर? तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? कि आपके पास वेरिएबल्स और नंबर्स के कुछ कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन जो हैं लगे होंगे, ठीक है। तो वो जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये दिया हुआ है क्या, 2x³ - 3y⁴ प्लस 5y, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हैं, नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। जैसे कि आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं, x, y, z जो हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो भी आपको पता है, नंबर्स तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो उन वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे, इस तरह से उनके कॉम्बिनेशन बने होंगे कि उसमें जो है ये जो कुछ ऑपरेशंस लगे होंगे बीच में, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उससे जो आप का एक होल जो बन जाएगा वो आपका कहलाएगा एक्सप्रेशंस। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट है टर्म्स फैक्टर्स एंड कॉफिशेंट। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो अभी हमने अभी क्लियर करा है कि एक्सप्रेशंस, ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही है कि 3x + 5, क्लियर, 3x + 5, अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दें, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो लगा दें, तो ये अब आपकी बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशंस को ही अगर हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो वो आपकी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्लियर? अब जो है हम उस आगे पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आते हैं, टर्म्स फैक्टर्स एंड कॉफिशेंट। तो सबसे पहले है आपके टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स क्या है, ये जो आपने अभी इक्वेशन में जो 3x + 5, ये जो आपके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन जो बीच में लगे हुए हैं, इनको जो सेपरेट कर रहे हैं क्या, एक टर्म ये है आपकी 3x और एक है 5, है ना। तो इस तरह से ये जो सिंगल टर्म है ये आपके कहलाएंगे टर्म, ठीक है, जिनके बीच में ऑपरेशंस लगा रखे हैं हमने। क्लियर? तो ये है आपकी टर्म्स। नेक्स्ट होता है आपका फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, देखो, जैसे कि आपकी सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन 3x + 5, अब इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वल टू ज़ीरो रख दिया था तो वो आपकी इक्वेशन बन गई थी, और जिन जिन टर्म्स से ये आपके जिन जिन टर्म्स के बीच में ये ऑपरेशन लगे हुए हैं, इन ऑपरेशन को हटा के जो बचता है वो आपकी टर्म्स हैं, ठीक है। और एक सिंगल टर्म में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल टर्म है 3xy, ठीक है, ये सिंगल टर्म जिस वेरिएबल और नंबर से बनी हुई है, ये आपके हैं क्या, फैक्टर्स। देखो, एक नंबर है 3, एक वेरिएबल है आपके पास x और सेकंड वेरिएबल है y, तो ये जो 3x एंड y हो गए, ये आपके हो गए क्या, फैक्टर्स। क्लियर? अब है आपका नेक्स्ट है कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या होता है, कॉफिशेंट आपका होता है कि न्यूमेरिकल फैक्टर, ये जो मैंने आपको भी फैक्टर बताए हैं ना, इन जो वेरिएबल और नंबर्स के जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इसमें जो आपका न्यूमेरिकल जो फैक्टर होगा, यानी कि जो नंबर्स में होगा वो आपके होंगे कोफिशिएंट, ठीक है, वो होगा आपका कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 3xy में जो आपका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, 3, है ना। तो ये जो 3 हो गया वो हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ xy का जो कॉफिशेंट हो गया वो आपका 3 हो गया, ये न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है वो आपका कॉफिशेंट कहलाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है, देखो फॉर एग्जांपल आपको इसमें सब दिखाया हुआ है, स्लाइड में देखो आपको सब मेंशन है। सबसे पहले आपको एक ये जो आपको एक क्या दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2x - 4xy, इसमें जो टर्म्स हैं आपकी वो क्या क्या है, एक तो 2x वाली टर्म है, एक -4xy है, ये आपकी टर्म्स हो गई। उसके बाद फैक्टर जो हो गए आपके, जैसे 2x के अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 4,
टू एंड एक्स जो इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है आपका कॉफिशियंट। कॉफिशियंट क्या हो गया आपका, ये जो 2x में जो कॉफिशियंट हो गया वो हो गया, x का जो कॉफिशियंट हो गया वो क्या हो गया, 2 न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से हमने सारी टर्म्स को जो है अभी समझा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो होता है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म, अब लाइक और अनलाइक टर्म आपकी क्या होती है कि देखो, द टर्म्स हैविंग द सेम लेटरल, है ना। तो मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी, ये देखो आपके पास ये टर्म है 3x 7x, तो इसमें जो आपका ये वेरिएबल है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वेरिएबल सेम है, जिसके एल्जेब्रिक फैक्टर्स जो होते हैं, है ना, इसको हम फैक्टर भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। एल्जेब्रिक फैक्टर, फैक्टर मैंने आपको क्या बताए थे कि आपके दो तरह के फैक्टर होते हैं, तो न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और एक आपका आता है एल्जेब्रिक फैक्टर, यानी कि एक्स वाई जेड वाला फैक्टर, है ना। जिसके ये एल्जेब्रिक फैक्टर जो है वो सेम होंगे वो आपकी लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, और जिसमें आपके एल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दिया है 4x और 4xy, तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसका एल्जेब्रिक फैक्टर सिर्फ x है, और सेकंड टर्म में इसका एल्जेब्रिक फैक्टर xy है, तो ये आपकी जो है अनलाइक टर्म्स हो गई। क्लियर, तो इस तरह से हमने पढ़ा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो होता है मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल में क्या है, मोनोनोमियल जो है आपका वो है द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोनोमियल। मतलब जिस आपके एक्सप्रेशन में, जैसे कि आपने एक्सप्रेशन तो आपने अभी पढ़ा है ना, तो जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होगी। ठीक है, सिंगल टर्म जो है आपकी है, जैसे कि 6xy2, इसमें कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं लगा हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो ये सिंगल टर्म जो जिसमें होगी, जिस एक्सप्रेशन में होगी, वो आपका मोनोनोमियल होगा। और जिस एक्सप्रेशन में आपकी टू टर्म्स होंगी, देखो एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेशन लगा हुआ है, ये होगी आपकी बाइनोमियल। और आपकी ट्राइनोमियल क्या होंगी, जिसमें थ्री टर्म्स होंगी, वन टर्म टू टर्म एंड थ्री टर्म्स, तो ये आपकी क्या होंगी, थ्री टर्म्स वाली, जिसमें आपके दो ऑपरेशन लगे हुए हैं। देखो एक ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन का, एक ये सब्ट्रैक्शन का है, तो ये होगी आपकी ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल्स जिसमें थ्री टर्म्स हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये जो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, देखो ये जो हम एडिशन करते हैं, एडिशन में क्या होता है कि जो आपकी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स जो हैं आपकी वो ऐड होती हैं। और जैसे 7x, ठीक है, ये देखो आपको एक एक्सप्रेशन 7x, ये 4x, 5x और ये x, है ना, जिसकी ये जो लाइक टर्म्स वाले हैं वो एक साथ ऐड होंगे, और ये जो नंबर हैं आपके वो एक साथ ऐड होंगे। क्लियर, तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से होता है आपका, ठीक है, जो हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपके पास आता है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी होती है एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वलिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक आपकी एक फॉर्मूला होता है, और जो कि हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है आपका, ट्रू होता है। ठीक है, तो वो आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। तो हम इसमें इस वाले टॉपिक में हम 3 आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे जो कि बहुत मेन है। फर्स्ट है आपकी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है हमारी तीनों, जिनको हम इस चैप्टर में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। प्रूफ कैसे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि देखो पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, 2 का स्क्वायर 2 इंटू टू,
है ना। तो इसी तरह से आपके पास किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम इसको टू टाइम्स लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। फिर सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा जो इसका फॉर्मूला था, क्लियर। तो इस तरह से हम माइनस वाली पढ़ेंगे, माइनस वाली में क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को भी हम सेम प्रोसीजर से प्रूव करेंगे जैसा कि अभी हमने लास्ट वाली प्रूव करी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन ऐड करेंगे और लास्ट फाइनल रिजल्ट आपके पास यही आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपकी आती है थर्ड आइडेंटिटी आती है कि ए प्लस बी और ए माइनस सी जो है, सॉरी ये गलत दिया हुआ है आपको इसमें स्लाइड में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये सी नहीं है ये बी है आपका। तो वो आज जो आपका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी आपको प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। ये भी आप जो है प्रूफ करके देखोगे इसको एक बार, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है। तो ये जो था, ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि हम जिसमें हम ओल्ड कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ चुके हैं, और अभी जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।